जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे तो उसके रिजल्ट को लेकर पूछा जा रहा है। तो साथियों, उसमें आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होना स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे आपका बीकॉम एलएलबी है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो बाकी कोर्सेज है जैसे आपका बीसीए है, बीजेएमसी है, उनका भी रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक में लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि लगभग सभी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, बच्चे जो आपका नए सत्र के एडमिशन है, नए सत्र के एडमिशन के लिए, तो उसके लिए आज यूनिवर्सिटी में बैठक है, आज यूनिवर्सिटी में मीटिंग है नए सत्र के एडमिशन को लेकर, यानी कि यूजी और पीजी के, यूजी और पीजी के आज डिसाइड हो जाएगा, और उसके बाद में डिसाइड होगा कि कब से एडमिशन का पोर्टल ओपन होगा। तो उसके बाद में फिर एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी वो आज सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो भी लागू होनी है। आगे बात करते हैं अब जो आज की अपडेट है उसके बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे एलएलबी वाले बच्चे हैं, एलएलबी एलएलएम में अब एक पेज और फंसा हुआ है। वहां पर तो चॉइस मांगी जा रही है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या आप ऑफलाइन देंगे। तो अब ऑनलाइन देना है तो उसके लिए आपकी चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है, लेकिन यदि आपको ऑफलाइन देना है तो उसके लिए कोई चॉइस फिल नहीं करनी। अब यहाँ पर पेज जो फंसा हुआ है वो ये है कि जब आपका ऑनलाइन आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब ही बच्चों को यही कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन जो एग्जाम होंगे वो पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन किस टाइप से रहने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं जो हमारे वो आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो अब वो यदि ऑनलाइन पेपर कराते हैं तो ऑनलाइन में सब्जेक्टिव पेपर बच्चे कैसे कर पाएंगे, तो वो बड़ी देखने वाली बात है। तो उसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है, उसके लिए एक डिजिटल कमेटी बनाई गई है जिसकी जो मीटिंग होगी वो आपकी 6 जुलाई को होने वाली है। 6 जुलाई को डिसाइड होगा कि अब आपके जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तो ये सब सारी चीजें अभी फंसी हुई है। इसी को देखते हुए अभी डेट शीट भी जारी नहीं की गई है, यानी कि जो आपकी रिवाइज डेट शीट आएगी वो भी अभी जारी नहीं की गई है। वैसे तो आज चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट है, लेकिन बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि वो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें या ना करें, ऐप के माध्यम से पेपर होगा या किस तरीके से वेबसाइट पर पेपर होगा, किस तरीके से होगा वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो हो सकता है ये भी डेट आगे बढ़ाई जाएगी चॉइस फिलिंग की, कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है या ऑफलाइन देना है। जब तक बच्चों को क्लियर ही नहीं है तो वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो साथियों, और दूसरा है जो नेक्स्ट है, जो बच्चों के एग्जाम होने हैं, एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके जो 5 से 7 के आसपास में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। दूसरा नेक्स्ट है आपका जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, जो हॉस्टल में रहते थे, तो उनके लिए जो हॉस्टल है वो आपके 7 जुलाई से ओपन कर दिए जाएंगे। 7 जुलाई से आपके हॉस्टल ओपन हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए होंगे जो बच्चे के एग्जाम है, यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हॉस्टल ओपन किए जाएंगे। तो साथियों, ऑलमोस्ट जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप अभी फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जितनी भी एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट होती है वो सब मैं अपडेट करता हूं इसी फेसबुक पेज पर। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।